क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। MIM के भिवंडी के शहर अध्यक्ष खालिद गुड्डू पर खंडनी और भी कई आरोपों में पुलिस ने खालिद गुड्डू को गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा दर्ज किया, मगर इसके खिलाफ अब MIM पार्टी मैदान में उतर गई है खालिद गुड्डू के समर्थन में। आज दोपहर में इम्तियाज जलील, फैयाज अहमद, सैफ पठान, शाह आलम और MIM पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थाने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और गुड्डू खालिद के संबंधित कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। और शाम के वक्त भिमंडी में खालिद गुड्डू के घर पर इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां गुड्डू खालिद को फंसाने का काम कर रही हैं। खालिद गुड्डू पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। साथ ही जिस तरह से खालिद गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जुलूस निकाल कर ले गई, इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि MIM पार्टी मजबूती से लड़ेगी और न्याय लेकर ही रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्तियाज जलील ने क्या कुछ आरोप लगाया है, सुनिए। कि एक आदमी जिसके पीछे 45,000 लोगों का समर्थन हासिल है, 45,000 वोट लेता है, उसको पुलिस वाले जिस तरह से सड़क के ऊपर लेकर जाते हैं, एक रैली निकालकर, एक जुलूस निकालकर है तो उसको लेकर जाते हैं, उनकी मंशा यही है कि उसको किसी तरह से कमजोर करना और पार्टी को जलील करना, पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ही। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस के अंदर, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ऐसे केसेस हुए हैं, कितने ऐसे केसेस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने आरोपी को इस तरह जुलूस निकाल कर लेकर गए हैं। और लेकर जाने की भी एक तरीका होता है कि कोई पुलिस वाला पीछे से पैंट पकड़ा हुआ है कोई, ये जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस है कि आप, ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मैं तो आप में से भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि आपने मेरे से 20,000 रुपये मांगे हैं, 50,000, तो क्या आप आरोप ये हो गए हैं? अदालत होती है, अदालत के बाद है तो आप ये सब चीज़ें करिएगा उसमें। मैंने तो आज के दिन CP को बोला कि साहब अदालत अगर वो करती है आप फांसी के ऊपर लटकाइएगा उसमें, लेकिन अगर किसी को भी आप पकड़ कर लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। उसके बाद तो हर दूसरे दिन एक एक केस रजिस्टर किया जा रहा है, एक पुलिस स्टेशन में होता है, फिर दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर होता है, तीसरे, ऐसे 6 केसेस रजिस्टर हो गए हैं। एक केस बलात्कार का हो जाता है, अब बलात्कार का केस हो रहा है, 2017 का कोई मामला है, कोई लड़की आकर खड़े हो जाती है और कहती है कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ घर के अंदर, इस घर के अंदर का अगर आप ये बताते हैं तो मुझे बताइएगा कि मैंने इनके घर वालों की जानकारी हासिल की है, पूरा ज्वाइंट फैमिली रहती है, 30 लोग एक मकान के अंदर रहते हैं और वहां पर एक लड़की 3 साल के बाद आकर कहती है कि मेरे ऊपर इन्होंने बलात्कार किए हैं करके, और पुलिस है तो बिल्कुल रजिस्टर कर देती है। अब उसके बाद जो केसेस रजिस्टर होते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इन्होंने 50,000 मांगे थे मेरे से 2016 में, इन्होंने 1,00,000 रुपया मेरे से मांगे थे 2017 के अंदर, फिर 50,000 रुपये 2018 के अंदर। तो मेरा एक सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से ये है कि पुलिस इतनी निकम्मी क्यों थी, पब्लिक का विश्वास पुलिस के अंदर क्यों नहीं था कि अगर कोई पैसा मांग रहा है, कोई पैसा ले रहा है, तो पुलिस क्यों खामोश थी और जनता पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्यों नहीं जा रही थी शिकायत लेकर? ये सबसे अहम सवाल हम पुलिस से पूछना चाहते हैं कि अचानक आप भी बैठे थे 2019 को जब खालिद गुड्डू साहब NCP छोड़कर आए हैं, 15 साल से वो NCP के अंदर थे, तब है तो पूरे बहुत दूध के धुले हुए थे। MIM के अंदर आने के बाद ही ये सारे केसेस आप पुराने जो है वो अपने जितने भी उनके कार्यकाल के अंदर हुए है वो केसेस आज आप हमारे नाम के ऊपर बिल फाड़ रहे हैं कि MIM का ये है। मुझे बताइए, इतने सारे कंप्लेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि साहब इतने कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ, इतने लोग आ रहे हैं। मैं बोला साहब बहुत अच्छी बात है, उसमें आपका डिपार्टमेंट के पास पहले क्यों नहीं आ रहे थे, क्या वजह थी आपके कमिश्नर के पास नहीं जा रहे थे, क्राइम ब्रांच पे नहीं जा रहे थे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास नहीं जा रहे थे, कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रहे थे? अब पुलिस कहती है कि नहीं साहब, 23 के ऊपर मामले है करके, 23 मामले एक पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
मैं जब 2014 के अंदर राजनीति के अंदर आया तो मामूली किसी को थप्पड़ मारने का भी गुनाह मेरे ऊपर नहीं था। एक सादी एनसी मेरे ऊपर नहीं थी, आज मेरे ऊपर भी 10 गुना है और उसमें एक गुना जो है वो मेरे ऊपर डकैती का गुना है। डकैती का गुना कैसा है, तो मैंने एक शराब की दुकान बंद करवाया था, शराब की दुकान वाले ने है तो पुलिस के अंदर शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे गल्ले में से 235 रुपए गायब हो गए हैं, तो डकैती का केस किया। तो हमने तो पुलिस वालों को कहा था कि आप करिए, ऐसे ऐसे केसेस करिए, हम अदालत में लड़ेंगे करके। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दबाएंगे, आप किसी तरह से जितने भी हमारे मजलिस के फॉलोअर्स हैं उनको आप कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल करना चाह रहे हैं, 2016 के अंदर अगर किसी ने पैसा मांगा था तो उसने शिकायत लेकर आया क्यों नहीं था? पुलिस इतनी निकम्मी क्यों थी? पुलिस उस वक्त अगर कार्रवाई करती थी तो हमको भी समझ में आता था। यह अचानक आने के बाद आपको 50,000 रुपये के लिए मेरे हिसाब से कम 200 पुलिस वाले आ गए थे, पूरा छावनी की तरह से आपने ये कर डाले थे। कितने आरोपियों को पुलिस डिपार्टमेंट ने इस तरह से जुलूस निकाल कर है तो कोर्ट लेकर गए या पुलिस स्टेशन लेकर गए, जहां पर भी पुलिस ने इसका जवाब देना, और अगर नहीं देती है हम लिखित रूप के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के थाने, पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर करेंगे, हम विधानसभा के अंदर करेंगे, और जो जो भी प्लेटफॉर्म है, जहां जहां पर भी जो जो प्लेटफॉर्म नजर आएगा हम उसके अंदर शिकायत करेंगे। हम कहीं पर भी किसी गलत काम का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने आरोप लगाया है आप उसको सिद्ध करिए, हम आपको सर आंखों के ऊपर उस फैसले का, अदालत का जो भी फैसला आता है हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अचानक आप 15 दिनों के अंदर आप इस तरह के केसेस लेकर आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पुलिस ने तय कर लिया है कि ये खासदार है आके हमारे ऊपर अब इसने है तो हमसे सवाल कर रहा है, तो 8 दिन के अंदर तो मेरे ऊपर भी 10 केसेस बना सकते हैं कि इम्तियाज जलील ने है तो इनसे 50,000 मांगा था, इनसे 10,000 मांगा था। एक लड़की को खड़े कर दिया जा सकता है कि साहब इन्हें मिली थी 2014 के अंदर, इनके ऊपर बलात्कार का केस है। ये सवाल यही पैदा हो रहा है कि पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास क्यों नहीं था थाने की। या तो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में आप जब थे तो आप ये सब चीजें हैं तो इसकी सुरक्षा पुलिस डिपार्टमेंट देता था कि नहीं आप लोग करिएगा, आपको जो करने का है खुली छूट है आप करिएगा करके। हम इसके अंदर साफ ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ये पूरी साजिश के पीछे एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और इसके इसका इस्तेमाल जो है पुलिस डिपार्टमेंट को किया जा रहा है। और राजनीति का मतलब ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक मंत्री इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है, समाजवादी पार्टी के लीडर्स इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने इस दिन जिस दिन ये हुआ था उस दिन एक ट्वीट किया था कि अगर हमसे कोई टकरा, क्या है वो ट्वीट का मैसेज क्या था सर, तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, हमारा ये कहना है कि हम हारेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जो भी होगा उसमें, लेकिन आप हर वक्त सिर्फ इस तरह के नजरिए से देखेंगे कि नहीं साहब MIM मजबूत हो रही है, मुमरा में मजबूत हो रही है, भिवंडी में मजबूत हो रही है, तो उनको किसी तरह से कुचला जाए। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप वर्दी में होंगे, हम पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करते हैं, मैं खुद पुलिस कमिश्नर साहब को, एडिशनल कमिश्नर साहब को पर्सनली जानता हूँ मैं, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अच्छे ऑफिसर्स हैं। लेकिन मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को कहा कि सर आप ये कैबिन के अंदर बैठे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपका नीचे का अधिकारी क्या कर रहा है, क्या इसका इल्म है आपको कि आपका क्राइम ब्रांच का PI क्या कर रहा है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, ये आपको पता है? पुलिस डिपार्टमेंट की भी जवाबदेही होती है। पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि हम वर्दी के अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस के लिए भी कानून है, जो कानून मेरे लिए बना है वही कानून पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी के हिसाब से किसी को भी कौन से भी केस के अंदर डाल सकती है। तो हमारा यही कहना है कि हमने लिखित रूप के अंदर पुलिस कमिश्नर साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उनसे ये कहा है कि जो जो भी, और मैं आपके जरिए ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और क्राइम ब्रांच के या जो भी जो ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको ये बताना चाहता हूँ एक खासदार की हैसियत से कि कई इंस्पेक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हुई है, इनके प्रमोशंस रुके हुए हैं, इनके ऊपर है तो एक्शन लिया गया है,
और मैं आपको साफ तरीके से ये बता रहा हूँ कि इम्तियाज जलील आपको किसी सूरत के अंदर नहीं छोड़ेगा अगर आप ये गलत काम करते हैं। ये गलत काम अगर होगा तो हम किसी सूरत में नहीं, आप लड़ी, आप बताइए हमारे को, आपके पास ये एविडेंस है, हम पूरी तरह से उसकी इज्जत करेंगे। आप अदालत के अंदर जाइए, हम भी अदालत के अंदर जाएंगे, आप अपनी पैरवी करिए, हम हमारी पैरवी करेंगे। लेकिन इस तरह का ये हरकतें जो हो रही है यहाँ पे, ये साफ तरीके से हमारा एक फाइनल एनालिसिस यही है कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। हम भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये बताएंगे कि ऐसे कौन से कानून के अंदर लिखा है कि किसी आरोपी को जिसका आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है उसको आप रोड के ऊपर इस तरह से लेकर जाते हैं। इसके लिए हमने हमारी एक वकीलों की टीम हमने तैयार की है जिसके अंदर हमारे डावरे साहब भी है जो यहाँ के लोकल वकील लोग हैं, हमारे खिजर पटेल साहब औरंगाबाद से आए हैं खास ये स्टडी करने के लिए, पूरे केसेस को देखने के लिए, और हम आगे की कार्रवाई यकीनन हम पूरी करेंगे।